फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 के बारे में, जिसके सर 13A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2+x * 3+4x की पावर 5, यानी इस पूरे की पावर 5 में आपको ओनली 3 टर्म फाइंड आउट करनी है इन असेंडिंग पावरों पर। x की असेंडिंग पावर यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अपन फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, आपको पता ही है, तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। ये आपकी a की वैल्यू है, या फिर x और y के फॉर्म में ये आपकी y की वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला अपन जानते हैं कि x प्लस y की पावर n आपको दी हुई है, तो एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वन प्लस ये चलता जाएगा। लास्ट वाली टर्म एन सी एन एक्स की पावर जीरो वन हो जाएगा और वाई की पावर एन, ये लीजिए। ठीक है, छोटा सा अपन यूज कर लिया। ये आपकी एक्स की वैल्यू, ये पूरी आपकी वाई की वैल्यू, थ्री टर्म तक फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म आपकी एन, n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये 5c0 x यानी इस 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर कितनी 5, फिर x इंटू 3+4 x इस पूरे की पावर कितनी 0, यहाँ पे इस y की पावर कितनी है 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना, फिर प्लस 5c1 2 की पावर इन दोनों का माइनस कितना 4, फिर x इंटू 3+4x इस पूरे की पावर 1। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 5c2 2 की पावर 3, फिर x इंटू 3x 3+4x इस पूरे की पावर 2, ये वैल्यू आएगी। थ्री टर्म तक फाइंड आउट करनी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये आपकी थर्ड टर्म। इसको मैं सोल्व करूं तो इसकी वैल्यू अपन जानते हैं कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है ना, बताया हुआ आपको डायरेक्ट। और 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी 32, और इसको मैं सोल्व करूं तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। 5c1 की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, n आएगा ना, nc1 की वैल्यू कितनी n, फिर 2 की पावर 4 कितना 16, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसको मैं सोल्व कर देता हूं, ठीक है, कितना आएगा देखो, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x प्लस 4x स्क्वायर ये वैल्यू आएगी। उसके बाद में इसको मैं सोल्व करूं तो इसको मैं देखो सोल्व कर लेता हूं, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सोल्व करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में कितना 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू आ गई 10 इंटू 2 की पावर 3 कितना 8, और इसको मैं सोल्व करूं तो x का स्क्वायर कितना x स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर 3+4x इस पूरे का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे कितना आएगा इसका। ये 32, 16 इंटू 5 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आ गई 80, ठीक है, 80 इंटू 3x प्लस 4x स्क्वायर, ये लीजिए, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू हो गई आपकी 80, और ये एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसको ओपन कर दीजिए, ओपन करूं तो 3 का स्क्वायर 9 यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दूं तो 16x स्क्वायर, ठीक है, और फिर आएगा प्लस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 24x, ये वैल्यू आ जाएगी। आगे भी इसको सोल्व करूं तो ये 32 प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 240x, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना 320x स्क्वायर, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार किस फॉर्मेट में आपका आंसर गिवन है, ठीक है, देखो ये तो टर्म आ रही है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपकी वैल्यू आ गई 720x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 8 का मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 8 और 8 को मैं 8 1 से मल्टीप्लाई करूं 1, तो 128,
ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है 128, ठीक है। और x की पावर इसके साथ x की पावर 4 आ जाएगा, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं और जीरो भी है ना भाई इसका, ये जीरो x की पावर 4 इसका मल्टीप्लाई करें तो ये तो जीरो, 8 को इस 4 से 32, 8 को इस 2 से 16 और 3 कितना 19 और ये आपका x क्यूब। अब आपको इसको लिखना है, ये 32 प्लस 2 40x प्लस इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0410, ठीक है ना। और ये x स्क्वायर प्लस ये 1920x क्यूब प्लस 1280x की पावर 4, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। और आपकी बुक में जो पीछे आंसर आपको गिवन है वो इतनी तीन टर्म आपको गिवन है ओनली, ठीक है, ठीक है भाई। और आपको तीन टर्म ये पूरा टोटल फाइंड आउट करना है, अगेन बोला है तीन टर्म तक फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है कि एक्सपेंड 1 + 2 + 3x की पावर n इन ए सीरीज ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ x अप टू एंड इंक्लूड द टर्म इन x स्क्वायर, यानी इस फॉर्मेट में आपको असेंडिंग ऑर्डर में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो आपकी जो वैल्यू आएगी वो किस फॉर्मेट में आती है, पहले थोड़ा सा अपन सॉल्व करते हैं इसको। ये वाला मैं फॉर्मेट लगाऊं तो ये तो आपकी वैल्यू हो गई 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखना ध्यान से, या फिर ये ब्रैकेट लगा देता हूं 1 + 2x + 3x², ठीक है, और ये वैल्यू हो गई आपकी x स्क्वायर तक आपको सॉल्व करना है, ये लीजिए लिख सकता हूं। अब ये तो x की वैल्यू होगी, ये पूरी आपकी y की वैल्यू होगी, इतना आपको इसमें लिखना है। अब इसको मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू आएगी, देखना ध्यान से देखना, ये x की वैल्यू यानी n c 0 1 की पावर n और इस पूरे की पावर इसकी 2x प्लस 3x स्क्वायर इसकी पावर 0 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर n c 1 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3x स्क्वायर इस पूरे का की पावर 1, ये लो, ठीक है, इतना ही काफी है मेरे हिसाब से, हो जाएगा। एक टर्म और लिख दो आप तो वैल्यू आएगी आपकी n c 2 1 की पावर n माइनस 2 2x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 2, ये लीजिए, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि n c 0 की वैल्यू, देखो आपको बताई भी है, n c 0 की वैल्यू 1, n c 1 की वैल्यू आपकी n और इसकी इक्वल किसकी वैल्यू n c n की वैल्यू और ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी n c n माइनस 1, ये चार वैल्यू आपको बताई हुई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 की पावर n कितना 1 और इस पूरे की पावर 0 है तो किसी की भी पावर 0 वैल्यू कितनी 1, तो 1 × 1 × 1 कितना 1, ये लीजिए। n c 1 की वैल्यू कितनी हो गई n हो गई और ये वैल्यू आपकी 2x प्लस 3x स्क्वायर। फिर इसको मैं सोल्व कर लेता हूं यहां पे, देखो इस वाली वैल्यू को मैं सोल्व करूं तो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इन दोनों का माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं, और इस n फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड कर दूं तो वैल्यू आएगी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं मैं 2 × 1 यानी 2 और ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू आपकी n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2, तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, ये तो हो गया ना, ये हो गया यहां पे, ठीक है ना। और फिर वो वाली टर्म देखो n इंटू n माइनस 1 अपॉन में कितना आएगा आपका 2, 1 की पावर n माइनस 2 कितना आपका 1 हो गया, और इसको आप एक्सपेंड करो तो कर दीजिए, ठीक है, वैसे तो इससे काम हो जाएगा, फिर भी कर दो एक बार, देखो कितना आ रहा है 4x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर करो तो 9
एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 और 6 इंटू 2 कितना 12 इंटू एक्स क्यूब, ये लीजिए वैल्यू। अब इसको मैं सोल्व करूं तो 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 2 इंटू एन एक्स प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 3 इंटू एन एक्स स्क्वायर और इसको मैं सोल्व करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, ठीक है देखो कर देता हूं मैं मल्टीप्लाई इसका, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन में 2 और ये वैल्यू हो गई 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स की पावर 4 प्लस 12 एक्स क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है अब इतना सोल्व कर दो, इसके आगे आपको आंसर मिलाना है तो आंसर में मिला देते हैं। देखो आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन करो, एक बार डिस्कस करते हैं इसके आंसर एकदम फिक्स निकालने के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो ठीक है चेक करता हूं मैं, ये वाली टर्म तो आ गई, अब मुझे यहां से और यहां से कॉमन लेना है एक्स को, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है आ जाएगी, ये यहां से n और x स्क्वायर ये 3 आ रहा भाई। चलो देखते हैं, ये n हो गया ना, यहां से देखो क्योंकि ये तो आपका आगे जाएगा ना, इस वाले टर्म में देखना ध्यान से, 1 प्लस 2nx प्लस ये आपका 3n इंटू एक्स स्क्वायर, ये मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं है ना, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी ये वाली टर्म में मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना इसके साथ में n बाय 2 के साथ में, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी ये जो वैल्यू आपकी है ना ये वाली, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना एन स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एन अपॉन में 2, ये लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 और इसको कैंसिल आउट करेगा तो 2, यानी वैल्यू कितनी आ गई एन स्क्वायर और ये वैल्यू आ गई आपकी 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये लीजिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है हो गया। और फिर मैं बात करूं आगे, ये एन बाय 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आ गई आपकी प्लस का 9 अपॉन में 2 इंटू एन स्क्वायर एक्स की पावर 4, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी आपकी 6 एन स्क्वायर एक्स क्यूब, ये लीजिए। अब ये माइनस एन बाई 2 भी मल्टीप्लाई कर दूं, ये माइनस एन बाई 2 में इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आई, माइनस एन बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कितना आएगा 2 इंटू एन 2 इंटू एन इंटू एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी और ये वाली वैल्यू मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो प्लस का 9 बाई 2 इंटू एन इंटू एक्स की पावर 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का आएगा ये माइनस का, फिर माइनस का वैल्यू आएगी आपकी 6 इंटू एन इंटू एक्स की पावर 3, यानी इस पूरे को मैं ऐसे ओपन करके एन स्क्वायर बाई 2 को एन बाई 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको ध्यान से देखना आप, थोड़ा सा देखना बस, 1 प्लस 2 एन एक्स प्लस ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ध्यान से देखना सेम है ना, ये 3 है वो 2 है तो 1 एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर और ये पावर आपस में कैंसिल आउट नहीं होगी ना, नहीं होगी ठीक है ना, नहीं हो रहा, ये हो गया और ये आपका एन स्क्वायर वाली ये भी सेम है ना, तो ये 9 बाई 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 6 एन स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 9 बाई 2 इंटू एन एक्स की पावर 4 और ये माइनस 6 इंटू एन एक्स क्यूब, ये वैल्यू लीजिए। अब आपको तो इतना ही चाहिए ये वाली वैल्यू, तो यहां से तो 1 प्लस 2 इंटू एन एक्स प्लस कॉमन निकाल लूं एक्स स्क्वायर को तो ये एक्स स्क्वायर तो बाहर, यहां से कितना आएगा 2 इंटू एन स्क्वायर,
यहां से कितना आएगा आपका प्लस का एन, ये वैल्यू चाहिए, आगे वाले टर्म आप छोड़ देना, आपके तो आंसर दिया हुआ ना उसमें यही वैल्यू चाहिए आपको, और क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर देखिए निकालना है, ठीक है ना, इन टर्म इंक्लूडिंग दैट टर्म इन एक्स स्क्वायर। अब मैं चेक करता हूँ, एक्स स्क्वायर तक लिख दिया मैंने, ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 को देखते हैं, देखिए 9 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो देखिए 9 क्वेश्चन में आपको गिवन है कि राइट डाउन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, क्या है 3x - y / √2 पहले तो इसका एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं, बाद में बात करते हैं बाकी, इसका मैं एक्सपेंशन फाइंड आउट करूं तो माइनस वाले टर्म है, तो देखो सबसे फर्स्ट n की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, तो 4c0 3x / 4 और ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी है ना y की पावर, फिर यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस 4c1 3x / 3 (y/√2) (+4c2) 3x / 2 (y/√2) (-4c3) 3x / 1 और (y/√2) आ जाएगी, फिर (+4c4) 3x / 0 (y/√2) ये लीजिए, इसको सोल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी 1 और 3 का पावर 4 कितना 81, x की पावर 4 -4 इसकी वैल्यू कितनी 4 और 3 की पावर 3 कितना 27, x³ (y/√2) ये लीजिए। अब इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, 6 आ जाएगी है ना, 4 × 6 आ जाएगी, ये 6 और इसका स्क्वायर कितना 9 × x² और उसका स्क्वायर कितना y² / 4 ये लीजिए 4c3 इसकी वैल्यू कितनी यहां पे लिख देता हूं मैं, ये आपका माइनस, ये प्लस और ये माइनस, कितनी वैल्यू आएगी 4 × 3x / y³ 2 का क्यूब कितना 8 प्लस इसकी वैल्यू कितनी 4c4 (1) इसकी वैल्यू कितनी 1 × y^4/16 ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं सोल्व करूं तो 81 x^4 माइनस ये 4, देखो इससे मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो 2 हो गया और ये 54 x³ (y) प्लस इसको मैं इससे कैंसिल आउट कर दूं 2 और ये वैल्यू आ गई आपकी 3 9 27 यानी 27/√2 (x²) / (y²) उसके बाद में ये माइनस का और इससे ये कैंसिल आउट हो गया 2 तो ये वैल्यू होगी -3/2 × x / y³ और ये प्लस का y^4/16 ये वैल्यू आ गई। अब मैं आंसर को एक बार चेक करता हूँ, 81 x^4 -54 x³ (y), ठीक है -3/2 है, ठीक है ये वैल्यू आ जाएगी। अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, इसके आगे क्या गिवन है कि बाय द गिवन x एंड y सुटेबल वैल्यू डिस्यूट द वैल्यू ऑफ 29.5 यानी इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 29.5 / 4, इसका जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसी का यूज करके आपको फाइंड आउट करनी है और फिर आगे आपको फाइंड आउट ये बोला हुआ है कि करेक्ट द 4 सिग्निफिकेंट फिगर यानी 4 डिजिट तक करेक्ट वैल्यू निकालनी है, 4 डिजिट तक निकालनी है, तो देखो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यदि मैं इसी फॉर्मेट के अंदर इस x की वैल्यू 10 पुट कर दूं और इस y की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, ध्यान से देखना बस, 3 × 10 कितना 3 × 10 30 -1/2 1/2 की वैल्यू कितनी 0.5 30 में से 0.5 पर माइनस कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी ना,
तो इस पूरे को मैं लिखना चाहूं तो 30 माइनस 0.5 इस पूरे का पावर 4, तो इसी से मैं सोल्व कर रहा हूं, ये 30 हो गया। तो अब देखो मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, एक्चुअल के अंदर आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, पॉइंट वाला भी लफड़ा नहीं रहेगा। देखो ये वाली वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी, क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ध्यान से देखना इस वैल्यू को, 30 माइनस 1/2 की पावर 4, यानी x की वैल्यू तो ये है और ये आपकी y की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले में जहां पे आपको x दिखे वहां पे तो 10 पुट करना है और y की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है, तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी। ठीक है ना, इस पूरे की वैल्यू ये मैं लिख देता हूं, मैं क्या लिखूं इसको, 3 × 10 39.5 पे आएगा। अब देखो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 81 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 4, फिर माइनस 54 इंटू 10 का क्यूब इंटू 1 का, वाई की वैल्यू कितनी है, 1 की पावर 1। ठीक है, फिर आ जाएगी 27/2 एक्स की वैल्यू 10 का स्क्वायर और वाई की वैल्यू 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 3/2 एक्स इंटू 1 का क्यूब प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 1, ये 1 और ये 16, ये वैल्यू होगी। अब सोल्व करते हैं, 81 इंटू 10 की पावर 4 को लिख सकता हूं मैं, 10 की पावर यानी 40 है ना, तो आपकी वैल्यू हो गई ये लीजिए 10 की पावर 4 को मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है ना, 10 का 4 टाइम ये लीजिए, और फिर माइनस 10 की पावर 3 1000 और ये वैल्यू हो गई 27/2 × 100 और ये वैल्यू हो गई आपकी 3, ये लो कैंसिल आउट कर दो, 15 हो गया, 1 की पावर 3 कितना 1, ठीक है रहने दो, और 1/64 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, कैलकुलेटर अपने पास में ये याद, इससे कर देता हूँ मैं, देखो कैलकुलेटर, यानी 1 को डिवाइड करना है 16 के साथ में। ठीक है, आप डिवाइड कर देना भाई थोड़ा सा, मेरे पास यही है आज। ठीक है, 0.062 ये लो। ठीक है ना, अपन कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना भाई, ऐसे नहीं कि सर ने यूज कर लिया तो एग्जाम में होगा, एग्जाम में अलाउ नहीं आपकी कैलकुलेटर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 81 और ये 40 लगा दो, माइनस ये वैल्यू कितनी हो गई, 54000, इससे मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये 50 हो गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये लो भी गया है तो, ठीक है ना, ये बस भी रहा है, इसको भी रिकॉर्ड हो जाएगा ये भी, चलो कोई ना, आप रिकॉर्डिंग भी तो सुन रहे हो। देखो ये वैल्यू आ गई 1350 प्लस में 15 और ये वैल्यू आपकी देखो यहां से माइनस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस होगा 15 और ये वैल्यू आपकी प्लस है। ठीक है, ये प्लस 0.0625। अब मैं इस वाली वैल्यू को एक तरफ ऐड कर रहा हूं, तो आपकी वैल्यू होगी 81 40 प्लस 1350 और फिर है 0.5 है इसका, .0625 ये वैल्यू है। इसको मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आ गई आपकी 81 13 50 0.06, माइनस ये माइनस करना है 54 0 और ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, इसको मैं माइनस कर देता हूँ भाई, माइनस का 54 0 15 और ये माइनस कर दो तो वैल्यू आ गई आपकी 75 73 35.06, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब मैं चेक करता हूँ वैल्यू, आपको करेक्ट आंसर ये 4 डिजिट तक निकालना है, ये लो ये 4 डिजिट, यानी इसी को मैं लिख सकता हूँ 75 37
और यहां तक आपको फाइंड आउट, आगे आप जीरो जीरो लगा दो, ठीक है, ये लो करेक्ट वैल्यू, ठीक है ना, फोर डिजिट तक की करेक्ट फाइंड आउट करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया है, ठीक है, आराम से आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना भैया, आप कर सकते हो, मैं करूंगा तो वीडियो आपका थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, इसी वजह से आप कर लेना। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, 999 यानी 999 की यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट 999, इसका क्यूब फाइंड आउट करना है। तो इसके क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं ना 1000 - 1 की पावर 3 लिख सकता हूं। अब बाइनोमियल थ्योरम लिखी हुई है, इसमें ये वाली वैल्यू तो x की और ये वाली वैल्यू y की, तो वैल्यू क्या होगी 3c0 1000 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 0 माइनस है तो ये माइनस 3c1 1000 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 1 प्लस 3c2 1000 की पावर 1 और 1 की पावर 2 नेक्स्ट टर्म 3c3 1000 की पावर 0 और 1 की पावर 3 ये लीजिए। अब इसको देखो क्या लिख सकता हूं, ये तो 3c0 की वैल्यू कितनी 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं ना 3 0 फिर 3 0 फिर 3 0 यानी 9 0 हो गए, 3 3 और 3 9 0 हो गए। उसके बाद में 3, इसकी वैल्यू कितनी 3 यानी NC1 की वैल्यू कितनी N की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 और इसको मैं सोल्व करूँ तो ये वैल्यू हो गई 3 0, इसका स्क्वायर करना तो 1 0 2 3 0 और लगा दो, ये लो 6 0 आ जाएंगे। फिर मैं इसकी बात करूँ, इसको सोल्व करूँ तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, देखो 3 factorial / 2 factorial और इंटू में ये भी 3 आ जाएगा ना N, ठीक है 3 आ जाएगा, ये 3 × 1000 और फिर वैल्यू आपकी ये माइनस की आएगी ना, ये माइनस ये प्लस ये माइनस और ये वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर कितना 1 और ये 1 × 10000 की पावर 0 कितना 1 × 1 का क्यूब कितना 1 ये लीजिए। अब वैल्यू आ गई, ये तो सेम लिख देता हूँ 3 0 फिर 3 0 फिर 3 0 ये लो, ठीक है ये आपके माइनस की वैल्यू है तो माइनस का 3 और ये 3 0 3 0 ये लो, ठीक है और ये प्लस का 3000 - 1 ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एड होगी तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 3 0 ये हो गए 3 0 और हो गए और जो लास्ट वाले 3 0 है इसमें ये एड कर दूं तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3000 एड कर देना आप, ठीक है ना ऐसे। ये 3000 एड करोगे तो ये वैल्यू आएगी ना ये लीजिए ये, ठीक है और फिर इन दोनों को ऐड करूं तो ये 3000 ठीक है ना ज्यादा हो गया क्या, ठीक है ठीक है और ये आपका 001 अब इसको आप माइनस कर दो, ठीक है इसको मैं माइनस कर दूं, किसको माइनस करना है आपको 1000 और ये 0 ये 0 और ये 3 ठीक है ना ये 3 और ये 3 और ये 4 ठीक है इसको माइनस कर दो, इसको माइनस करो तो वैल्यू आ गई आपकी 9 ठीक है और ये भी 9 ये भी 9 और ये कितना आपका 2 और ये 0 ये 0 ये 7 ये 9 और ये 9 ये वैल्यू आ गई, ठीक है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 99 70 0 और ये 29 99 ये देखो आंसर को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि करना पड़ेगा ना, ये हो गया 00 ये ठीक है भाई ये आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इस वैल्यू का मैं क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।